Oh, hello guys, welcome back to the channel everyone. I hope you all are doing absolutely fine. तो वापस आ चुका हूँ मैं, खेल रहा हूँ PUBG मोबाइल लाइट बहुत टाइम के बाद. तो चल रहे हैं अभी हम लोग स्टेडियम, पीछे शायद कोई आ नहीं रहा होगा. आई होप गाइस ये गेम प्ले काफ़ी अच्छा होने वाला है. किल ज़्यादा नहीं ले पाया मैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा गेम प्ले, तो देखना ज़रूर पूरा वीडियो. गाइस जिसको मेरे साथ साथ खेलना है, नीचे आईडी दी होगी पबजी मोबाइल लाइट की. मोबाइल मैंने वापस से डिलीट कर दिया है, मेरा मन नहीं करता पता नहीं उसको खेलने का. तो यहाँ पे मैं कूद चुका हूँ, मुझको मिल चुकी है AKM और अब मैं ढूंढ रहा हूँ बंदे किधर है, बंदे किधर है. और यहाँ पे M16A4 भी मिल चुकी है. गाइस ग्राफिक क्वालिटी कैसी लग रही है आप लोग बताओ मुझे ज़रा. वैसे तो आप लोग का सिर्फ 480 पिक्सल्स पे ही चल रहा होगा, बट वीडियो मेरा पूरा 1080p पे है. उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोग का 480 चल रहा है. अगर आपको और हाई रेजोल्यूशन पे देखना है उसके लिए तो आपको अपना VPN लगाना पड़ेगा कुछ कहीं का. आजकल लॉकडाउन चल रहा है देश भर में पूरा, तो मज़े लीजिए आप लोग. और क्या बताऊँ मैं भी, ये बंदा पता नहीं गाइस क्या कर रहा था, यहाँ पे आया आराम से खड़ा रहा और मैंने इसको उड़ा दिया. अब गाइस लॉकडाउन में तुम लोग क्या कर रहे हो नीचे ज़रा कमेंट में मुझको बताओ, मैं भी ज़रा अपने किस्से बांटूंगा उसके बाद. गाइस नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आना है मुझको ज़रूर नीचे बता देना. और गाइस अब बहुत सारी लूट करने के बाद मैं निकल चुका हूँ स्टेडियम से, जा रहा हूँ थोड़ा आगे मैं जोन के अंदर. जोन वैसे बहुत ज़्यादा दूर है मुझसे, देखते हैं जो भी होता है. यहाँ पे गेम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मेरा लैग कर रहा था पता नहीं क्यों, एक्सट्रीम में तो मैं लगा रखता है बट स्टिल कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं. फिर अब मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मुझे थोड़ी थोड़ी बंदों की आवाज़ आ रही थी, मतलब गोलियाँ चल रही थी. मतलब बगल से UAZ निकली जिसकी मैंने आवाज़ अच्छा हुआ, मैं हेडफोन लगाया हुआ था मैंने सुन लिया आवाज़ उसकी, तो मैं उसको अच्छा खासा मारने लगा. एक बार मैं अगर फट जाती गाइस वो तो ज़रूर मर जाता बंदा वो वाला. इसने मुझे मेरे पर फायर करने की कोशिश करी बट मैं थोड़ा सा अंदर आ गया, पता नहीं क्या मारने लगा एकदम, फिर मुझे पीछे से भी गोलियाँ पड़ने लगी. गाइस ये बॉट देखो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुके हैं, एकदम एडवांस टाइप्स, बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं ये लोग. यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा था उसी बंदे को वापस से देखने के लिए, मैंने S12 की वैसे ले रखी थी अपने पास इसलिए कोई डर भी नहीं था मुझे. मुझे लगा ये बंदा अंदर ही होगा बट ये अंदर नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया होगा. तो
तो मैं ज़रा सा और आगे आया, यहाँ पे मैंने मुझे वो बंदा दिख गया। मैंने गलती से गन हटा दी थी, S12 के चला दी गलती से मैंने, AKM से मारने का था इसको। और उसको मारने के बाद मैं निकल गया हूँ वापस से। अब मैं इसको थोड़ा बहुत लूटूंगा लूटूंगा, देखते हैं क्या मिलता है इसके पास। और ये बंदा 6x लेके बैठा हुआ था, ये कुछ उखाड़ भी नहीं पाया गाइस। M416 लेके बैठा हुआ था यार ये, M416 और 6x, नो रिकॉइल गाइस। यहाँ पे अभी तक मेरे सिर्फ 5 और 5 ही किल हुए हैं, तो क्या कर सकता हूँ मैं भी उसका। तो मैंने सोचा मैं ये वाली जीप लेके चलता हूँ आगे, कोई फ़ायदा नहीं है वैसे भी, कोई होगा नहीं वैसे, जोन बहुत दूर जा चुका है। तो मैं यही वाली जीप लेके निकल गया। गाइस जीप में से धुआं निकला था, मुझे डर तो लग रहा था वैसे फटना जाए जीप, बट कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे इधर आ गया गाड़ी को ले चेंज करने के लिए, ये बेटर ही रहती है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, यूज़र फट जाती तो मर जाते हम। और अब आ चुके हैं हम लोग जोन के अंदर बहुत देर के बाद। और गाइस यहाँ पे एक कार खड़ी हुई थी, मुझे लगा यहाँ पे कोई बंदा होगा, इसलिए मैं इधर आ गया बंदे को मारने के लिए। गाइज़ प्लीज़ अगर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेहनत तो लगती है यार वीडियो बनाने में। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं क्या मेहनत लगती है, कौन है तू, फालतू में फालतू वीडियोस बनाता है। भाई तुम खुद बना के देखो तो पता चलेगा। तो गाइज़ प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, वरना तुमको कोरोना वायरस हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता उसके बाद, ठीक है, तुमको कोरोना वायरस हो जाएगा। तो मैंने AKM में 6x गलती से लगा लिया था, अच्छा हुआ नहीं लगाया वरना लोग मुझे हैकर बोलते। मैं रिकॉइल कंट्रोल कर लेता हूँ AKM का बहुत आसानी से। यहाँ पे जोन वापस से चलने लगा, मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैं वापस से जाकर के कार में बैठ गया और मैं निकल गया जोन के अंदर। जो ऑफेंड मत होना, कोरोना वायरस हो जाएगा, मजाक कर रहा हूँ वैसे तो, बट अगर वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तबीयत तुम्हारी ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर बोलेगा कोरोना वायरस हो गया है। और गाइस ये गलती से उछल गई कार, मैंने हवा में ब्रेक मारा, मैं भूल गया कि ये एयरप्लेन नहीं है जो रुक जाएगा हवा में। तो अब क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं रही, अब मुझे सब कुछ पैदल करना पड़ेगा। अब मैं स्विमिंग करके जा रहा हूँ, मुझे असलियत में स्विमिंग करनी नहीं आती है। अच्छा हुआ कोई असलियत पबजी नहीं खिला रहा है, वरना सबसे पहले उतरते मैं ही मरता। गैस जोन काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया है, बट कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे करके। गैस सब सिर्फ और सिर्फ 10 बंदे बचे हैं, सबसे बड़ी टेंशन मुझे इस चीज़ की रही कि किल्स नहीं हो पाए ज़्यादा। और गैस इस सीज़न में मैं पहली बार सोलो खेल रहा हूँ, इधर हम लोग आ चुके हैं हॉट ड्रॉप प्लेस में थर्ड हिल पर। थर्ड हिल में तो जोन ही नहीं बन रहा है, तो अभी और आगे जाना पड़ेगा हम लोग को। बस भागते भागते मैं जोन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जोन काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच चुका है। और मुझे लगा ये एकदम जोन मेरे पास आ चुका है, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक बड़ा सा खड्डा भी था। तो यहाँ पे इल्यूजन हुआ, मुझे लगा जोन आ चुका है, पर मुझे थोड़ा सा और आगे जाना था। क्या बात है, वो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा था। और किसी तरह मैं जोन के अंदर आ चुका हूँ, अब 6 बंदे बचे हुए हैं, एक्चुअली 5 बचे हुए हैं इंक्लूडिंग मी 6। बस यहाँ पे एक यूएसए खड़ी हुई थी
और एक डासिया खड़ी हुई थी। मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो मैं इधर उधर देखने लगा और यहाँ पे मुझे कुछ शॉट्स भी सुनाई दे रहे थे धीरे धीरे। तो मैं गाड़ी चुराने के लिए, वैसे तो मैं गाड़ी चुराने के लिए भागा था, मुझे लगा इस घर के अंदर बंदा है। मैंने ग्रेनेड मारा और एक और कहीं से ग्रेनेड फूट गया। सबसे बड़ी सवाल तो मेरा वही रहा कि ग्रेनेड एक और कहाँ से आया। और मारा लगे हो रही है, मैं तो 6 किल ले लिए आराम से। एक बंदा कूद गया यहाँ से, डर के मारे कूद गया वो। क्यों कूदा मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ को देख करके। वो फायरिंग कर रहा हूँ और मुझे भी गोलियाँ लगने लगी, मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैं चुपचाप बैठ गया यहाँ पे। उसके बाद मैं देखने लगा मुझे गोली किसने मारी है, क्यों मारी है, मासूम से बच्चे को क्यों मारी गोली, मतलब मासूम तो नहीं बट गोली क्यों मारी मुझे। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई मुझे कार 98 जैसे मार रहा है। तो मैंने टेंशन छोड़ दी बिल्कुल, क्योंकि मेरे सामने एक बड़ा सा पिलर टाइप का था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट स्टिल मैंने यहाँ पे एक स्मोक किया। उसके बाद मैं लूटने के लिए बढ़ा गया क्योंकि AK में बुलेट्स 0 हो गई थी, एक्चुअली 337, बट स्टिल उनको 0 ही कहूँगा मैं तो। तो इधर भी लूटने के बाद मुझे उस USZ वाले बंदे को मारना था, क्योंकि मैं जानता था उसकी हेल्थ तो कम रही होगी ही उस टाइम पे, बट वो उसकी डैमेज हो चुकी होगी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं निकल गया डासिया लेकर के वापस से उस USZ वाले बंदे से पंगा लेने के लिए। वैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा, मुझे डासिया डासिया मैंने छोड़ी और मुझे ये वैसे यहाँ पे दिख गई, तो मैं समझ यहाँ पे बंदा है कहीं आसपास। ये वही वाला बंदा था वैसे, यहाँ पे था नहीं, वो कहाँ गया मुझको पता नहीं अभी, बट मैं समझ गया था कि वो इसी कहीं एरिया में है। और मैं यहाँ पे बैठ गया आकर के, देखने लगा वाला बंदा कहाँ है। और वैसे कार 98 वाला बंदा भी गोलियाँ चला रहा था, तो मैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा हुआ था, कार 98 वाला ना मार दे मुझको। वैसे एक बार मैं तो नहीं मार पाता बट स्टिल क्यों हेल्थ कम करें अपनी। तो मुझको यहाँ पे बुलेट शॉट्स पड़ने लगे और मैंने बहुत चालाकी से उनको डॉच कर दिया, और मैं समझ जाता इस घर के अंदर बंदा है। एक ड्रिंक भी मार दी मैंने। उसके बाद मैं ढूंढने लगा कहाँ पर है वो, और फुटस्टेप्स बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहे थे उसके, ऐसे लग रहा था मेरे सर के ऊपर नाच रहा है वो। उसके बाद मैं सीधा ऊपर निकल गया जोन की, मैंने कोई परवाह ही नहीं करी। यहाँ आने के बाद भी वो मुझे नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं वापस से बाउंड्री के पास आ गया, तो मुझे कोई हेडशॉट तो नहीं मार सकता था। हाँ, लेफ़्ट और राइट से मार सकता था बट सामने से कोई नहीं मार पाता। मैं जैसे आगे देख रहा था, ये पीछे से आकर के मुझे गोली मारने लगा। बेशर्मी की गाइस, यार हद ख़त्म होती है, पीछे से कौन आता है यार, सामने से आओ, दम है तो सामने से आओ। और गाइस अब सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा है, और उसकी लोकेशन जब मैं खेल रहा था मुझे नहीं पता थी, पर अब मुझे पता है। अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पता ही होगा। तो मैं उसको ढूंढने में निकल गया, मैंने ढूंढने में अपनी हेल्थ गवा दी, बहुत ज़्यादा गवा दी। उसके बाद मुझे लगा ये बंदा मुझे मार देगा। फिर मैं कंटेनर के पीछे आ गया, मुझे लगा कंटेनर से कहीं छुपा होगा इधर उधर, पर ये वहाँ नहीं छुपा था। मैं थोड़ा सा इसको कंटेनर्स में ढूंढने लगा, फिर मुझे ध्यान आया कि कुछ नूब बंदे होते हैं जो शैक के अंदर आराम करते हैं। फिर मैं गया शैक के थोड़ा सा पास और मुझे ये बंदा मिल गया। मैंने पहले मोटो लॉफ कॉकटेल मारा, इसको लगा ही नहीं यार, मोटो लॉफ तो बाहर चला गया। उसके बाद मैंने ग्रेनेड निकाला, बहुत शांति से मारा मैंने ग्रेनेड, और पता है क्या हुआ, वो भी मुझे नहीं लगा।
एक और ग्रेनेड निकालने का सोचा, फिर मैंने एक और ग्रेनेड निकाला और वो किसी तरह इस कमरे के अंदर चला गया और ये बड़ा डर के मारे बाहर आ गया और फिर मैंने इसको फोड़ दिया। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, वरना रात को आके नन तो परेशान करेगी करेगी, कोरोना वायरस भी हो जाएगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऑफेंड होना मतलब ऑफेंड मत होना भाई, तुम्हारा बोल सकता हूँ। चलो बाय।